दुनिया तो आनी जानी है, लेकिन कुछ लोग जो इस सदन में भी लोगों के प्रतिनिधित्व करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, उनमें से कईयों का हमेशा नाम रहता। आज हम उन नेताओं को श्रद्धांजलि दे रहे हैं जिन्होंने देश की, प्रदेश की, लोगों की राजनीति के माध्यम से सेवा की। इनमें से चार को तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, उनके साथ या लोकसभा या राज्यसभा में रहने का अवसर प्राप्त हुआ है और नज़दीक से जानने। जगन्नाथ मिश्रा जी छोटे भाई थे ललित मिश्रा के, जो रेलवे मंत्री के रूप में, सिटिंग रेलवे मंत्री के रूप में बम ब्लास्ट में उनकी हत्या हुई और उसके बाद सारा बोझ राजनीति का जगन्नाथ मिश्रा पर पड़ा। और जगन्नाथ मिश्रा जी ने हर रूप में, चाहे वो विधानसभा में या काउंसिल में या मिनिस्टर के रूप में या चीफ मिनिस्टर के रूप में या केंद्रीय मंत्री के रूप में, बहुत अच्छा काम किया। वो उन चंद लीडरों में थे जो अपर कास्ट में तो पैदा हुए थे, लेकिन पूरी राजनीति में उनको लीडर माना दलित ने, बैकवर्ड ने और माइनॉरिटीज ने। वो कभी भी अपर कास्ट के लीडर नहीं कहलाए गए, वो पिछड़े वर्ग के, दलित के और अल्पसंख्यकों के लीडर कहलाए गए। और उनकी सोच भी वैसी रही, और जहाँ जब जब उन्होंने काम किया तो पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए उन्होंने काम किया। आज वो हमारे बीच में नहीं है, उनके निधन से देश को बहुत नुकसान हुआ। जहाँ तक अरुण जेटली जी का सवाल है, उनको व्यक्तिगत तौर पे मैं ज़्यादा अच्छी तरह से जानता हूँ, और कभी कभी हमारी जो खटास होती थी राजनीति, वो हमारे पर्सनल रिश्तों की वजह से वो मिठास में बदल जाती थी। उसका सबसे बड़ा कारण था उनकी शादी जम्मू में हुई, हमारे गिरधारी लाल डोगरा जी जो 28 साल फाइनेंस मिनिस्टर रहे, कांग्रेस के फ्रीडम फाइटर थे, चार प्रधानमंत्रियों के साथ वो फाइनेंस मिनिस्टर रहे जम्मू कश्मीर के, उनकी सुपुत्री के साथ उनकी शादी हुई। जाना वो हमारे राजनीतिक रिश्तों से निकट ज़्यादा हमारे पर्सनल रिश्ते हुए। लेकिन उनके बारे में ये मैं यही कहूँगा कि स्टूडेंट लाइफ से लेकर उनके निधन तक वो हमेशा एक्टिव रहे। वो बहुत अच्छे पॉलिटिशियन थे, बहुत अच्छे ओरेटर थे, बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजर थे, बहुत अच्छे खिलाड़ी थे और बहुत अच्छे वकील थे। और इतना मीडिया से भी मैंने कोई भी मिनिस्टर या कोई लीडर नहीं देखा, और स्वास्थ्य ठीक न होने के बावजूद भी उन्होंने न तो मित्रों से, न पॉलिटिकल लीडरों से, न मीडिया से मिलना छोड़ दिया। आखिर वक्त तक उन्होंने जो अपने संपर्क, चाहे वो पार्टी के अंदर थे या पार्टी से बाहर थे, पार्टी से बाहर भी बहुत, इस सदन में बहुत सारे हमारे साथी हैं जिनके साथ उनके बहुत अच्छे रिश्ते थे, वो रिश्ते उन्होंने अपने आखिरी वक्त तक निभाए। उनके निधन से देश को, न सिर्फ पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके जाने से न सिर्फ पार्टी को नुकसान होता है बल्कि देश को नुकसान होता है। मैं ये कहूँगा कि जगन्नाथ मिश्रा जी या जेटली जी ऐसे कुछ लोग होते हैं जो एक व्यक्ति आए कि पार्टी का नुकसान नहीं होता है, देश का, समाज का नुकसान होता है। और अरुण जेटली जी ने विपक्ष के नेता, इस सदन में वो जब विपक्ष के नेता रहे, लीडर अपोजिशन रहे, तब भी बहुत अच्छा काम किया। तब हम उस साइड मंत्री के रूप में होते थे और यहाँ विपक्ष के नेता, और जब वो सदन के नेता हुए और हम लोग इस साइड आए तो भी चाहे कितना गर्म हाउस होता था, लेकिन वो ऊपर उठकर उसको पानी डालने का काम करते थे और हाउस चल जाता था। मैं भगवान से, अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले।
इसी तरह से सुखदेव सिंह लिबरा जो पहले अकाली दल के एमपी थे, बाद में कांग्रेस के एमपी के रूप में इनके निधन हुआ। राम जेठमलानी, उनको तो पूरा दुनिया जानता है अपनी वकालत के लिए, और कुछ ही पिछले साल तक वो हमारे साथ इस सदन में, बल्कि इस साल शायद थे इस सदन में। इतना लंबा और लंबी उम्र का एमपी शायद दोनों सदनों में पहली दफ़ा होगा जहाँ तक मुझे याद है, और वो भी आखिर वक्त तक वकालत भी करते रहे और खेलते भी रहे। खेलते शायद मैंने किसी को नहीं देखा, वकालत भी शायद मैंने मिड 90s तक किसी को, शायद वो दुनिया में पहले आदमी होंगे, पता चलेगा कि जो मिड 90s तक वकालत भी करते थे और मिड 90s तक खेलते थे, और जवानों के साथ जवान, बूढ़ों के साथ बूढ़े, हर उम्र के लोगों के साथ वो दोस्ती करते थे। वो भी हमेशा अपने फील्ड और अपने फील्ड के बाहर भी हमेशा याद रहेंगे। गुरुदास दास गुप्ता जी हमारे पर्सनली मेरे बहुत व्यक्तिगत तौर पर, क्योंकि जब मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर होता है तो उसका सबसे बड़ा काम होता है, जो सबसे ज़्यादा विरोध करता है, मैं कुछ टिप अपने पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर को देता हूँ कि जो सबसे ज़्यादा विरोध करता हो, जो सबसे ज़्यादा बोलता है, अगर उसके साथ दोस्ती नहीं की तो पार्लियामेंट नहीं चलेगा। तो ऐसा ही कुछ मेरा हाल उनके साथ था, वो सबसे ज़्यादा बोलने वालों में और सबसे ज़्यादा वार सरकार पर करने वालों में नेता थे, और सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे और पढ़ाई करके आते थे और पूरे तर्क के साथ तैयारी करके आते थे। उनका मुकाबला मुश्किल करना मुश्किल था, उनका मुकाबला करना। तो कई दफ़ा पार्लियामेंट्री मिनिस्टर के रूप में मैंने पहले उनसे झगड़ा लिया, बात बनी नहीं, फिर दोस्ती की, और फिर वो दोस्ती हमारे मरने तक रही। उनके जाने से जो हमारा वर्किंग क्लास है उसको बहुत नुकसान हुआ। वर्किंग क्लास के लिए वो हमेशा सदन के अंदर और दोनों सदनों के बाहर हमेशा वो लड़ते रहे। इन तमाम नेताओं को मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी के तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भगवान उनकी आत्मा को शांति। श्री आनंद शर्मा, भी जो आपने हमारे इस सदन के 5 दिवंगत साथियों के बारे में अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं, उससे अपने आप को संबंधित करता हूं। विशेष तौर पे 4 लोगों से मेरे बरसों तक संबंध रहे, बातचीत रही। चाहे जगन्नाथ मिश्रा जी थे, राम जेठमलानी जी थे, गुरुदास गुप्ता इसी सदन में थे जब मैं पहली बार इस सदन का सदस्य बना था 1984 में, और अरुण जेटली जी नेता प्रतिपक्ष भी रहे, नेता सदन भी रहे। उनके साथ एक बड़े निजी संबंध थे, मैं यही कहूँगा। हम अलग अलग विचारधारा के थे, वैचारिक हमारा विरोधाभास भी रहता था, पर कभी भी हमारे वो विचारों की या सोच की कभी मतभेद वो मनभेद में नहीं बदले। संबंध बहुत अच्छे रहे, मित्रता रही, और जब भी उनसे बातचीत होती थी कोई ऐसा विषय नहीं जिसके बारे में हम बैठ के उनसे बात नहीं कर सकते थे। मैं एक ही सिर्फ बात कहूँगा, जैसा आपने भी कहा था कि शायद अगर अरुण जी में वो क्षमता ना होती एक टू बी अ ब्रिज बिल्डर, दूसरों से बात करने की, हाथ आगे बढ़ाने की, कदम बढ़ाने की, तो पिछले जो अभी सरकार के कार्यकाल में बड़े काम हुए वो शायद संभव ना हो पाते, चाहे वो GST था, चाहे इंश्योरेंस बिल था। मैं उनके कमी को हम सब लोग महसूस करते हैं आज इस सदन के अंदर, मैं अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ। आई रिक्वेस्ट द मेंबर्स टू रेज इन द प्लेसेस एंड ऑब्जर्व साइलेंस एज ए मार्क ऑफ रेस्पेक्ट टू द मेमोरी ऑफ द डिपार्टेड। Shanti, Shanti, Shanti. The Secretary General will convey to the members of the bereaved families
our sense of profound sorrow and deep sympathy. The House stands adjourned till 2 p.m. Please, I have not voted. Please, we are in the midst of a condolence motion. The House, okay, you always make significant points at an insignificant time. The House stands adjourned till 2 p.m. as a mark of respect to the memory of Sri Arun Jaitley and Sri Ram Jethmalani, sitting members of the House.